इन दिस लेक्चर वीडियो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग दी अमेंडमेंट्स ऑन कैपिटल गेन। देखिए, कुछ जो अमेंडमेंट आए थे वो आए थे फॉर द प्रीवियस ईयर 1919 एज वेल एज फॉर द करंट प्रीवियस ईयर दैट इज 2021। एंड जो भी कैपिटल गेन्स में जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे आज हम वो सब कवर करेंगे। अमेंडमेंट्स ऑन कैपिटल गेन, देखिए जब हमने पीजीपीपी चैप्टर किया था तब हमने एक सेक्शन डिस्कस किया था, दैट इज सेक्शन 43 CA। एंड इसी के सिमिलर है एक सेक्शन दैट इज कॉल्ड सेक्शन 50 C। जब मैंने आपको पीजीपीपी चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने उस वीडियो लेक्चर पर डिस्कस भी किया था कि अगर मान लीजिए आप कौन हो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो एंड आपने कोई एक लैंड या बिल्डिंग जो है वो आपने सेल ऑफ कर दी, ठीक है, यानी कि वो आपकी कैपिटल एसेट थी, बिजनेस की आपकी बिल्डिंग थी, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो क्या है, मीन्स बिल्डिंग को खरीदना बेचना, राइट। तो अगर वो बिल्डिंग अगर आप सेल ऑफ करते हो तो उस पर आपका जो होता है तो क्या होता है, कैपिटल गेन अराइज होता है, कैपिटल गेन सॉरी पीजी पर अराइज होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका बिजनेस नहीं है बट फिर भी आप बिजनेस की कोई बिल्डिंग बेचते हो तो वो कैपिटल एसेट मान लीजिए, क्योंकि वो आप कभी कभी बेचते हो, हमेशा नहीं बेचते। तो उस केस में क्या होता है, आपका 43 CA सेक्शन इन 50 C सेक्शन, यानी कि जब कैपिटल गेन आता है तो आपको 50 C बन जाता है, राइट। तो उस केस में आपको ये एक अमेंडमेंट आए, यानी कि दोनों ही केस में अगर आप लैंड या बिल्डिंग और बोथ अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उस केस में क्या सिचुएशन थी, याद होगा आपको मैंने जब पीजीपी चैप्टर में कराया था मैंने आपको एक सेक्शन कराया था सेक्शन 51 एंड 52, छोटा भाई बड़ा भाई वाला मैंने जो पॉइंट बताया था। तो उस केस में जब देखते कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन समटाइम्स लॉस भी रहता तो उसका क्या प्रोसीजर होता वो मैंने आपको बताया था, राइट। तो पहले तो आपको ये देखना है कि सेक्शन 43 CA सेक्शन एंड सेक्शन 50 C सेक्शन एप्लीकेबल होना कब है, राइट। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसमें अमेंडमेंट क्या आया है। तो देखिए, बोथ दिस सेक्शंस विल एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ सेल प्राइस, 110% ऑफ सेल प्राइस। लास्ट ईयर ये परसेंट 105% था और अब ये 110% हो गया। अमेंडमेंट यही है इसमें, यानी कि मैं यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये ध्यान से देखना है, कन्फ्यूजन बहुत होती है इस केस में तो इसलिए मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। यानी कि सेक्शन 43 CA एंड 50 C सेक्शन अप्लीकेबल तभी होगा जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी किससे, 110% ऑफ दी सेल प्राइस तभी होगा, अदरवाइज आपको ये सेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आपको इससे और क्लैरिटी हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको इसके चार केस देता हूँ एंड चारों केस में आपको गिवन है सेल प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है, राइट। एंड आपको पहचाना है इसमें कि एक्चुअली में आपकी सेल कंसिडरेशन क्या होगी फॉर पीजीबीपी
एंड कैपिटल गेन एज वेल। दोनों ही केस में सिमिलर है, कुछ नहीं। अगर बिजनेस रिलेटेड है तो पीजीबी में चला जाएगा, एंड अगर बिजनेस इनकम रिलेटेड नहीं है तो फिर कैपिटल गेन। बट कैलकुलेशन दोनों में सेम है, राइट। जैसा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए सेल प्राइस अगर आपको 4 लाख आपको गिवन है, राइट, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको कितने गिवन है, 3 लाख। तो आपको सेल कंसिडरेशन क्या लेके चलना है? देखिए, पहले आपको देखना है कि क्या आपको 43C A सेक्शन या 50C A सेक्शन में आपको जाना है या नहीं जाना। क्या बताया था मैंने, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा होगी किसे, 110% ऑफ सेल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो कम है सेल प्राइस से, तो 110% का तो वैसे भी कम निकलेगी, तो ये तो पहले ही कम है। तो इस केस में क्या होगा, जो एक्चुअल सेल प्राइस होगी वही दोनों में सेल कंसिड्रेशन होगी, दैट इज ऑफ ₹4 लाख, राइट। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सेल प्राइस मान लीजिए 4 लाख रुपीज है, एंड इस टाइम अब आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हुआ कितनी है, 4,30,000 है। अभी इस केस में जैसे तो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है सेल प्राइस से ज़्यादा है, लेकिन हमें कंपेयर तो करना है, लेकिन कब कब करना है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है सेल प्राइस का 110%। तो जब उसका 110%, बेसिकली 110% क्या है, बेसिकली आपका इसका आपको 10% आपको ऐड करना है। 10% की वैल्यू ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू जाएगी इसकी, 4,40,000। कितनी हो जाएगी, 4,40,000। अब आपको कंपेयर करना है बिटवीन दी 4,40,000 एंड दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% ज़्यादा है, अभी भी नहीं है, तो इसका मतलब 43A सेक्शन एंड 50C सेक्शन अभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी भी इस केस में क्या होगा, जो एक्चुअल सेल प्राइस होगी वही अभी भी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी, चाहे वो PGBP इनकम हो चाहे वो सेल्स कंसिडरेशन हो, राइट। चलिए थर्ड केस देखते हैं। चलो सेम मान लीजिए, इस बार भी सेल प्राइस 4 लाख है। अब इस बार SDV कितनी है, 4,40,000। कितनी है, 4,40,000। और जब 110% वैल्यू निकालोगे इसकी तो वो कितनी आएगी, अगेन 4,40,000, राइट। अब आपको कंपेयर करना है बिटवीन दिस SDV एंड दी 110% वैल्यू, क्या ज़्यादा है। देखिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड बहुत ध्यान से लिखा है, यहाँ पर इसका आपको बहुत अच्छे से देखना है, ये लिखा हुआ है मोर देन, यानी कि चाहे कम हो चाहे इक्वल टू हो, दोनों ही केस में सेक्शन 43A सेक्शन 43CA एंड 50C सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ज़्यादा होगा तभी एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन इस केस में जो एक्चुअल सेल प्राइस है वही सेल्स कंसिडरेशन मानी जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए इस बार भी सेल प्राइस कितनी है, 4 लाख, और SDV कितनी है, सपोज 4,80,000। अब जब आप इसका 10% ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू 4,40,000। कंपेयर करोगे तो इसका अभी इस बार आपकी जो है SDV ज़्यादा होगी कितनी, किससे, 110% ऑफ सेल प्राइस। तो अब किस में सेक्शन 43A एंड 50 सेक्शन एप्लीकेबल होगा, राइट। सो दैट मीन्स अंडर दिस केस अब आपकी SDV ही जो है वो सेल्स कंसिडरेशन मानी जाएगी, राइट। तो देखिए मैंने आपको चारों केस बताए ताकि आपको बिल्कुल डिफरेंशियल समझ आ जाए कि आपको ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होना है। अमेंडमेंट क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन द प्रीवियस ईयर 1920 ये परसेंटेज 105% था, अब जो है कितना हो गया, 110%, राइट। चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 55। देखिए अब तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किए हैं, आपने जितने भी अब तक वीडियो लेक्चर देखे हैं, उसमें हमने क्या देखा है, मान लीजिए अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग का केस लेते हैं, अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल अप करते हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते थे, मतलब अगर आप मान लीजिए अगर आपने बिल्डिंग अपने या लैंड एंड बिल्डिंग अपने परचेज किए बिफोर 2001, ठीक है, तो आप क्या करते थे, एक्चुअली आप फेयर मार्केट वैल्यू जो 2001 से उससे कंपेयर करते थे और आप हायर वैल्यू को पिकअप करते थे, राइट, यही करते थे। सर क्या कहना चाह रहे हो, मतलब अब वो कुछ उसमें चेंज आया क्या, वो बंद हो गया,
नहीं बंद नहीं हुआ, देखिए मेरी बात को कंप्लीट अच्छे से सुनो। अभी मैंने आपको कुछ अमेंडमेंट नहीं बताया, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब तक हम क्या करते थे कि लैंड एंड बिल्डिंग केस में, मैं सिर्फ अभी लैंड एंड बिल्डिंग केस बता रहा हूँ, बाकी केस में कुछ नहीं है, बाकी सब सेफ के हैं। अमेंडमेंट केस में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग केस में है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है सपोज इन 1990, कितनी खरीदी आपने जमीन खरीदी सपोज 4 रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, अब फेयर मार्केट वैल्यू इन 2001 उसकी वैल्यू कितनी होगी, सपोज कितनी होगी, सपोज 3 लाख। तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर देते 3 लाख के अकॉर्डिंग, आप इंडेक्स चेंज निकाल देते, राइट, ये कर देते। बट अब यहाँ पर इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक सेक्शन तो वही है, बट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या आ गई, एक प्रोविजो लेके आ गई, प्रोविजो लेके आ गई, प्रोविजो 2 सेक्शन 55। क्या है पहले को लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको लैंग्वेज और लॉ की लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएगा कि आप एक्चुअली क्या बुक में कहते हैं। आप जो पढ़ते हो कन्फ्यूजन बहुत होती है क्योंकि लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो देखिए लॉ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बहुत, दी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट, ऑफ सच एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2001 शैल नॉट एक्सीड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वेयर एवर एप्लीकेबल ऑफ सच एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2001। प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट्स बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2001 शेल नॉट एक्सीड दी SDV, शेल नॉट एक्सीड दी SDV वेयर एवर एप्लीकेबल ऑफ सच एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2001। सर मतलब अभी भी समझ नहीं आया, मतलब क्या है, अगर मान लीजिए अगर आप लैंड बिल्डिंग या बो दोनों अगर मान लीजिए आपने परचेज किया है सपोज बिफोर 2001, राइट, तो देखिए आप क्या करते थे अगर 2001 से पहले की गई, तो क्या करते थे 2001 से लेकर, तो फिर कंपेयर करते फेयर मार्केट वैल्यू से और हम हायर वैल्यू पिकअप करते हैं। बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में जब भी हम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करते हैं तो एक आपका एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। मान लीजिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है, तब आपको क्या करना है, तो उस केस में देखना है कि कंपेयर करना है बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू एंड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो भी लेसर होगा, जो भी लेसर होगा पहले उसको पिकअप करना है, और फिर जो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा उससे कंपेयर करना है, फिर हायर वैल्यू को पिकअप करना है। मैं आपको उसका एक चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको उसकी क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। जैसे देखिए चलिए मैं आपको थोड़ा और स्टार्टिंग से बताता कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। कैपिटल एसेट है, कौन सी कैपिटल एसेट है, अदर एसेट्स, अदर कैपिटल एसेट है या फिर लैंड बिल्डिंग और बोथ। पहले हम अदर एसेट्स की बात कर लेते हैं। अदर एसेट्स में क्या है, अगर मान लीजिए परचेज किया है बिफोर 1 अप्रैल 2001, ठीक है, तो हम क्या करते थे, परचेज प्राइस
या फिर वी ऑन 1 अप्रैल 2001, इन दोनों में से हम क्या करते थे, हायर वन को पिकअप करते थे, राइट। ये अदर केसेस के लिए अभी भी यही करेंगे हम, ठीक है। अमेंडमेंट किसके लिए है, लैंड बिल्डिंग के लिए है, तो वो ध्यान से देखना आपको। लैंड बिल्डिंग के लिए इसमें क्या है, मान लीजिए वही अगर इसको परचेज किया गया है बिफोर, परचेज बिफोर 1 अप्रैल 2001 अगर परचेज किया है, तो उस केस में आप यहाँ पर देखिए दो केस बनेंगे, दो सिचुएशन आपके आ गया अपने आगे। ध्यान से देखिए, पहले क्या करना है, मान लीजिए एक तो आपको गिवन होगा FMV ऑन 1 अप्रैल 2000, ये तो गिवन ही होगा। और क्या गिवन होगा आपको, एक्चुअल परचेज प्राइस, एक्चुअल परचेज प्राइस जो आपने 2001 से कभी पहले जो भी खरीदा होगा, राइट। अब देखिए जब भी लैंड बिल्डिंग का केस होगा तो आपको यहाँ पर एक और टर्म गिवन होगी, दैट इज कॉल्ड SDV, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखिए क्या करना है आपको, भाई इन दोनों में से का कोई एक वैल्यू ही पिकअप करनी है आपको, भाई इन दोनों में से आपको एक ही वैल्यू पिकअप करनी है, तो एज पर द प्रोविजन आपको इसमें लेस वैल्यू जो है वो कंसिडर करनी है, लेस वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है एंड देन पिक अप दी हायर वन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, यही होना है। देखिए मैं फिर से भी कहता हूँ, मान लीजिए आपने लैंड एंड बिल्डिंग या दोनों अगर आपने बिफोर 2001 से पहले परचेस किया है, तो आपके पास परचेस प्राइस तो है ही जो आपने एक्चुअल में परचेस किया है, उसके बाद आपको फेयर मार्केट वैल्यू गिवन होगी ऑन 1 अप्रैल 2001 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर ये दोनों गिवन हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों FMV और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों गिवन हैं, तो फिर इन दोनों से पहले आपको लेसर वैल्यू पिकअप करनी है और फिर आपको एक्चुअल प्राइस में से फिर से कंपेयर करना है एंड देन पिकअप दी हायर वन। बट अगर मान लीजिए केस ये हुआ हो कि एक्चुअल प्राइस तो आपको गिवन है और FMV गिवन है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गिवन ही नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गिवन नहीं, आपने पे नहीं किया, कुछ भी कह सकता भाई, गिवन नहीं तो क्या होता होगा, फिर तो हम जैसा पहले करते थे वैसे ही करेंगे, जैसा हम पहले करते थे वैसे ही करते थे, और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। फिर तो आप अदर उसमें चल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी गिवन होगी, तब आपको पहले क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड दी फेयर मार्केट वैल्यू को, उसमें से लेसर वैल्यू को पिकअप करना है एंड देन कंपेयर विद दी एक्चुअल परचेस प्राइस एंड पिकअप दी हायर वन, राइट। चलिए मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल करता हूँ फॉर दी बेटर क्लैरिटी। मान लीजिए लैंड एक्वायर्ड किया है ऑन 31 अक्टूबर 1998 ₹4 लाख, एंड आपको गिवन है FMV ऑन 1 अप्रैल 2001 की, आपको FMV गिवन है दैट इज ऑफ ₹6 लाख, तो ये गिवन है। अब साथ में आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है ऑन द सेम डेट ऑफ ₹5 लाख। अब देखिए क्या करना है आपको, पहले आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है। तो वैल्यू के वैल्यू में आपको पिकअप करनी है लोअर वन, दैट इज 5 लाख, एंड देन कंपेयर बिटवीन दी दीज वैल्यूज एंड देन पिकअप दी हायर वन, जो कि वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 5 लाख, राइट। सो दैट मीन्स आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है वो कितना आपकी आएगी, दैट इज ₹5 लाख, राइट। तो ये था आपका सेकेंड अमेंडमेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग केस में, राइट। चलिए नाउ मूविंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, यस काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो बहुत ध्यान से देखना आप लोगों, राइट।
जब हमने इनकम टैक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, या फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स टैक्सेबल इनकम एज वेल टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, याद रखना, जब भी अगर आप ये लेक्चर वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अच्छे से पढ़ के आओ, उसके बाद आप गो थ्रू करो ये अमेंडमेंट, तब आपको और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। बट अगर आप नहीं पढ़ के उसको रिवाइज नहीं किया आपने और आप डायरेक्ट यहाँ पढ़ रहे हो, क्लियर तो हो जाएगा बट थोड़ा आपको टाइम लगेगा। फिर भी आप नोट्स उठा के पीछे देखो कि आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि पहले आप वो लेक्चर वीडियो आप सॉरी वो जो चैप्टर है अगर अच्छे से गो थ्रू कर लो, उसके बाद आप ये अपॉइंटमेंट पढ़ो, राइट? चलिए, जैसे कि मान लीजिए अब तक हम क्या पढ़ते थे कि कैपिटल गेन, हाँ जी, देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है कि कैपिटल गेन बेसिकली दो ही तरह की होती है भाई, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, यही पढ़ा है हमने। एंड हमने इसको कंपटीशन टैक्स एफडी में अच्छे से पढ़ा है कि स्टैम्प ड्यूटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बेसिकली दो ब्रांच होती है। एक तो पढ़ा आपका, आपने पढ़ा अंडर सेक्शन 111A, और एक पढ़ा था आपने अदर्स। अगर सेक्शन 111A एप्लीकेबल हो रहा है तो इसमें आपने पढ़ा था कि 15% जो है इस पे शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल होगा, ठीक है? और अगर अदर केस हो तो क्या होगा, तो वो नॉर्मल इनकम की तरह ट्रेड होगा, यानी कि उस पर आपका स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा, राइट? ऐसे ही हमने देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी हमने दो तरह की इनकम पड़ेगी भाई। एक तो था आपको दैट इज जो सेक्शन एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 112A एंड 112, ठीक है? अगर ये है तो इस केस में हमने देखिए रेट पढ़े थे, क्या रेट पढ़े थे हमने, अगर ये एप्लीकेबल रहा है तो 10% लगेगा, बट 10% ऑफ वर्ड किसका, 10% 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख की एग्जम्पशन में दे दी। बट अगर 112 एप्लीकेबल हो रहा है तो स्टेट अवे 20% रेट जो एप्लीकेबल हो रहा है, हमने यही पढ़ा था, राइट? बट मैंने वहाँ पर आपको सिर्फ जब हमने टैक्स लाइबिलिटी निकालना सीखा था तब मैंने आपको यहाँ पर एक्चुअली बताया नहीं था कि अंडर सेक्शन 111A में और अंडर सेक्शन 112A में इन दोनों को स्पेशल कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है, यानी कि इनके स्पेशल रेट क्यों हैं और इसमें कौन कौन से कैपिटल एसेट एक्चुअली इसमें काउंट होगी, दर अदर्स कौन होगी, यही समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि वन सेक्शन 111A में तो 15% है, बट उसको छोड़कर बाकी जो है नॉर्मल इनकम बना जाएगी। लेकिन अभी आपको नीचे पता ही नहीं है कि सर नॉर्मल इनकम किस पे है, मीन्स किसको छोड़कर जो है बाकी सब नॉर्मल इनकम मानी जाएगी। सेम वे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी, जब तक आपको अंडर सेक्शन जो है 112A ना पता हो तब आपको 112 का भी नहीं पता होगा, क्योंकि आप 20% लगाओ किस पे पता ही नहीं। बट मान लीजिए अगर आप तो CA बन जाते हो, प्रोफेशनल बन जाते हो, आपके पास कोई अगर क्लाइंट आता है कि भी हमारी जो है ये एसेट बेच बिक गई, और आप क्या पूछोगे, भाई अच्छा बताओ ये एसेट आपने कब खरीदी थी? मैंने बताया कि ये एसेट मैंने 5 साल पहले खरीदी थी और मैंने इसको इस साल बेची है, तो बताओ इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छूट लूँ, तब तो आप आंख बंद करके बता दोगे कि भैया इस पर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये भी आंख बंद करके बता दिया कि भी इस पर तो 20% रेट होगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज आपने ना तो अपने क्लाइंट से ये पूछा कि भैया ये तो बताओ आपने बेचा क्या, ठीक है? अगर आप नहीं पूछोगे तब आप बायफिकेट नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में इसके टैक्स रेट क्या है एप्लीकेबल होगा, ठीक है? तो आप ऐसे नहीं बता सकते, पहले आपको पूरा नेचर पता होना चाहिए कि सेक्शन 111A में और सेक्शन 112A में क्या है, क्यों 15% और उस पर 10% क्यों है, ठीक है? चलिए, पहले हम पढ़ते हैं टैक्स ऑन
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स या फिर यूनिट्स। यानी कि हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 111A। देखिए हमने भी पढ़ा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दो ब्रांच है भाई, या तो सेक्शन एप्लीकेबल अगर 111A, अदरवाइज आपके तो है ही नॉर्मल इनकम। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेक्शन 111 पढ़ेंगे, अदर आप बाकी जो बच्ची कुछ ऐसे होगी वो सब पे नॉर्मल इनकम लगाना ही आपको, कोई दिक्कत नहीं आपको उसमें, ठीक है। चलिए तो अब हमें देखना है कि एक्चुअली सेक्शन 111A है किसके लिए। अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल एसेट है कौन कौन सी, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आपके पास ये सब कैपिटल एसेट हैं, ठीक है, ये आपने आपके पास अगर आप ये सब कैपिटल एसेट हैं प्लस प्लस आपने इनको ट्रांसफर करा कब, ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 1st of October 2004। एंड STTB पे क्या है, STT ऑल्सो पेड ऑन ट्रांसफर। यहाँ से देखिए सेक्शन 111A की हम जो है यहाँ पर कंडीशन बढ़ रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर आपके पास कैपिटल एसेट्स ये हैं कौन कौन सी, इक्विटी शेयर्स आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं, इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छे से पता है बिकॉज मैंने आपको से भी लेक्चर वीडियोज में डिस्कस किया है एज वेल एज लाइव लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं हम दैट इज 3rd 1, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये आपने शायद कभी ना पढ़ा हो, मैं इसके आपको एक्सप्लेनेशन अभी दे देता हूँ थोड़ी देर में। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये कैपिटल एसेट्स हैं, ठीक है, प्लस अगर आप इनका जो ट्रांसफर यानी कि सेल कर रहे हो कब कर रहे हो, ऑन और आफ्टर 1st of October 2004, और उसको बेचने पे अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तब आप सेक्शन 111A में आ जाते हो, राइट। अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट की क्या होता है। देखिए आप देख तो कहीं पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप बड़े बड़े बैनर देखते हो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अगर सपोज अगर मान लीजिए आप हो, ठीक है, आपका एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि मान लीजिए आपने ज़मीन ले ली, बट ज़मीन आपने मान लीजिए सपोज 1 करोड़ की ले ली आपने, ठीक है। अब क्या करना है, 1 करोड़ के लिए भी आपने खुद का अपना पैसा नहीं लगाया, आपने क्या करा उस पर आपने बैंक से लोन ले लिया। सो दैट मीन्स आपने अपनी जो लैंड की जो पेपर्स होंगे वो अपने मॉर्गेज पर होंगे, गिरवी पर होंगे बैंक के पास, उसी की बेस पे आपने उसी की बेस पे बैंक ने आपको लोन दिया हुआ, राइट। सो दैट मीन्स लैंड को खरीदने के लिए आपने अपना पैसा नहीं लगाया, आपने बैंक से लोन अप्लाई कर दिया। अब बैंक ने आपसे पूछा भी होगा कि आप इस ज़मीन का क्या करोगे, तभी तो आपका लोन पास हुआ होगा। तब आपने कहा, आपने उनको दिखाया सपना। सपना क्या, आपने दिखाया कि भी हम देखो यहाँ पर ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, यानी कि हमारा काम है कि हम ज़मीन को खरीद के हम जो है बिल्डिंग्स बनाते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की कोई ज़मीन खरीदी, उसके बाद आपने सपना दिखाया कि आप उस पर जो है 10 फ्लोर बनाओगे, ठीक है, 10 फ्लोर बनाओगे। तब आपने क्या करा, सपना दिखाया और आपने बैंक के लोन के लिए अप्लाई कर दिया। याद रखना अभी तक आपने अपना कोई इन्वेस्टमेंट पर्सनल इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं किया, आपने बैंक का जो है आपने लोन के लिए अप्लाई किया। उसके बाद अब आपने क्या करा, अब आपको 10 फ्लोर तो बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। अब उसके लिए आपने दिमाग लगाया कि मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं, मैं दूसरों का पैसा यूज़ करता हूँ। अब दूसरा कौन, एक बैंक से तो लोन मिल ही गया, अब किस अब क्या आप दूसरे बैंक को पकड़ोगे, नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसी ज़मीन पर आपको पहले लोन मिला हुआ है।
दूसरे लोगों को मिल नहीं सकता। अब उस केस में क्या होगा, अब आप क्या करते हो, सपना तैयार करते हो, यानी कि आप लोगों को दिखाते हो, देखो हम जो यहाँ पर 10 फ्लोर बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाते हो, ठीक है, मतलब एनिमेशन दिखाते हो कि हम देखो ये हमारा मैप है, ठीक है, इस तरह का किचन सेट होगा, इतने इस तरह का सब वॉशरूम होगा, इस तरह के आपके बेडरूम होंगे, इस तरह के आपके ड्राइंग रूम होंगे, आप सब कुछ सपना दिखाते हो सब कुछ, ठीक है। तो और उन उसी बेस पे आप कहते हो लोगों से पैसा इकट्ठा शुरू करते हो, यानी कि मान लीजिए आप पेमेंट करते हो, सपोज उनसे बोलते हो कि आप सब जो है कम से कम 30-30% जो है पेमेंट अभी कर दो बुकिंग के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स जब आपका 30% अमाउंट सबका आ जाएगा, तब आप कंस्ट्रक्शन चालू कर दो। अब होता क्या, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है 10 फ्लोर तो आप बना रहे हो, मान लीजिए आपके पास जो पैसा है वो सिर्फ 3 बिल्डिंग का है, सॉरी 3 फ्लोर का है, 7 फ्लोर का अभी भी नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ भाई, आप अपना पैसा लगाना तैयार नहीं हो या आपके पास है नहीं, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तीन भाई 3 पर्सन ने तो आपको पैसे दे दिए, बुकिंग तो कर दिए, बुक कर दिया, स्टार्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी करनी पड़ेगी, बट आपको तो पूरे 10 फ्लोर के एक साथ करनी पड़ेगी, बिकॉज मटेरियल सबका सेम लगेगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि 3 पहले बना दो भाई के साथ बाद में, ऐसा तो है नहीं, पूरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के साथ होती है। अब फंस गया मामला यहाँ पर, क्या करें, यहाँ पर लोगों के पैसे लगे हुए हैं। तो आप देखते हो कि आपने ऐसे बहुत कुछ देखे होंगे, नोएडा में देखे होंगे, गुरुग्राम में देखे होंगे, भाई लोगों के बहुत पैसे फंस होते हैं, मैं 10-10 साल होते हैं लोगों के पैसे फंस होते हैं, मीन्स लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता। तो इस केस में क्या होता है, काफ़ी सारे स्कैम भी हो जाते हैं इस केस में आपको, तो बहुत लोगों के पैसे फंस जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पाती, गवर्नमेंट के भी आप हाथ खड़े हो जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए मतलब जो कंस्ट्रक्शन को जो है पैसे देगी कि ठीक है हम आपको पैसे दे रहे हैं, पैसा आप बिल्डिंग बनाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस केस में क्या होता है, आपके जो है मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं आपके पास कि लाओ आप हमारा प्रोजेक्ट हमें दे दो, हम बिल्डिंग हम बनाएंगे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं बिजनेस ट्रस्ट, उनके बोलते हैं बिजनेस ट्रस्ट। बट क्वेश्चन आ रहा होता है, जो काम आप नहीं कर पाए वो बिजनेस ट्रस्ट करेगा कैसे, क्योंकि पैसा क्या वो पैसा अपन लगाएंगे, जी नहीं, वो पैसा अभी भी अपन लगाएंगे, वो लोगों का पैसा लगाएंगे कैसे। ऐसा मान लीजिए आपका कोई और फ्रेंड है, एक फ्रेंड है वो बोलता है कि भी मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो, सपोज 1 करोड़ की, और आपका अच्छा खासा बिजनेस है, तो आप क्या करते हो उसको बना के उसको मान लीजिए 3 करोड़ में सेलअप कर देते हो, 3 साल बाद मान लीजिए कंस्ट्रक्शन 3 साल में कम्प्लीट हो रही है, 1 करोड़ का आपने खरीदा सब कुछ करा और 3 करोड़ में आपने बेच दिया, मान लीजिए आपका ऑल ओवर जो प्रॉफिट हुआ कितना, वो 1 करोड़ तो हुआ। अब ये बिजनेस आपने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, अब अपने फ्रेंड से फ्रेंड क्या बोलते हैं कि भाई देख मेरे पास पैसा तो है नहीं, लेकिन मैं तेरे बिजनेस में कुछ पैसा लगाना चाहता हूँ। तो बोलता है कि भाई मेरे पास करोड़ रुपये तो नहीं, बट मेरे पास 1 लाख है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है भाई, मैं 1 लाख दे देता हूँ, 3 साल बाद मुझे तुम मुझे 3 लाख रुपये दे देना, और कुछ नहीं। तो ऐसा काम कब हम करते हैं, बिजनेस ट्रस्ट करता है, इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड। वो क्या करता है कि वो लोगों का पैसा इकट्ठा करता है, ठीक है, दिखाता है कि देखो ये हमारा बिजनेस है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम इसमें इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, और सबका प्रोपोर्शन आपको जो है यूनिट्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, राइट। सो आई होप यू आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सो हम पढ़ रहे हैं दैट इज सेक्शन 111A, यानी कि अगर आपके पास ये 3 कैपिटल एसेट हैं और इनको आपने ट्रांसफर करा कब, ऑन और आफ्टर 1st of October 2004 को, प्लस इसको बेचने पे अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है, तो ही आप सेक्शन 111A में आ जाते हो। अब एक बार इस पे भी फोकस कर लेते हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान से देखना है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। देखिए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स अगर आप कोई शेयर्स खरीद रहे हो, देखो खरीदते टाइम यहाँ पर बोला नहीं है, खरीदते टाइम बोला नहीं है कि आप स्टेम्युटी दो, बोल रहा है बेचने के टाइम पे दो, ठीक है। देखो बेसिक टाइम पे इसका मतलब क्या होगा, शेयर लिस्टेड होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, ठीक है, तभी आप एसटीडी पे करवाओगे, वही होगा। तो होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप एक आपने केस आपने शायद पढ़ा होगा, सॉरी केस बोल रहा हूँ, एक टर्म पढ़ा होगा आपने, दैट इज कॉल्ड IFSC, ये बैंक वाला कोई कोड नहीं, ये क्या मतलब, बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर,
ये क्या है, एक बेसिकली शेयर्स का ट्रेडिंग का एक हब है जो कि गुजरात में एक सिटी है, दैट इज गिफ्ट सिटी के नाम से है, गिफ्ट सिटी में। जी हाँ, आपने बिल्कुल नाम सही सुना, गुजरात में एक सिटी है जो एक ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट का एक हब है। मतलब क्या है, मतलब आप जो लिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एसटीटी पे नहीं कर रहे, यानी कि इस केस में अगर आप इसके थ्रू, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू अगर ट्रेडिंग करते हो, तो उस केस में आपको एसटीटी पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप खरीद रहे हो चाहे आप बेच रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप आईपीसी के थ्रू भी अगर आप उसको बेचते हो तो भी आप सेक्शन 111A में कवर्ड होते हो, तो भी आप सेक्शन 111A में कवर्ड होते हो। अच्छा, अब कवर हो गए, आगे क्या होगा इस केस में, देखिए क्या होगा। फर्स्ट पहला बोला हुआ है कि इस पे कंसेशनल जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो कितना होगा, दैट इज 15% प्लस। अब ये याद देखिए, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख पा रहा हूँ, ये मैंने आपको कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या है, दैट मीन्स अनएग्जॉस्टेड डीईएल एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ। यानी कि अगर बैलेंस बचाए किसी चीज का, बैलेंस ऑफ एग्जम्पशन लिमिट, जैसे देखिए अगर एज अगर बिलो 60 ईयर्स है तो एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, 2,50,000, राइट। सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो एप्लीकेशन बैलेंस बच जाता है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो, यही मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। देन थर्ड विच वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज नो डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6A। यानी कि आपने जितनी भी डिडक्शन चैप्टर पढ़ा है, जितनी डिडक्शन है वो इसमें, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। देखिए अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर आप एसटी, अगर आप अंडर सेक्शन 111A में आ रहे हो तो रेट हमने क्या पढ़ा था, 15%, ये हमने कंपटीशन टैक्स में पढ़ा था। बट मैंने आप वहाँ से, वहाँ पर मैंने सिर्फ बताया था आप 111A में आ रहे हो, बट मैंने वहाँ पर कुछ मतलब इनडेप्थ डिस्कस भी नहीं किया था मैंने कि 111A में एसेट्स का नेचर क्या है, ठीक है। वो आपने, मैंने आपको आज पढ़ाया कैपिटल गेन में। तो अगर आपका ये नेचर है और उसको ट्रांसफर करते हो कब, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004 को, और उस पर एसटीडी पे क्या हो, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू करते हो जिसमें एसटीडी पे नहीं कर, तो भी आप सेक्शन 111A में कवर करते हो। 111A में कवर करने के बाद आपको उस पर टैक्स कैसे करना है, पहले बात तो टैक्स रेट पे कवर होगा 15% पे। दूसरा, इस पर आप अगर आपको कोई भी बैलेंस अगर एग्जम्पशन लिमिट रह जाती है तो उस पर आप लेस कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज इस पे आप कोई भी डिडक्शन आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है, सपोज कि एसटीसीजी इज इक्वल टू 5 लाख, सिर्फ इतना गिवन है, तो क्या मान के चलोगे, क्या आप इसको सेक्शन 111A में मान के चलोगे। आई रिपीट, अगर मान लीजिए सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसटीसीजी इज इक्वल टू 5 लाख, अब मेरा क्वेश्चन हो सकता है इस केस में आप क्या करोगे, क्या आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 111A में लेके जाओगे, या आप इसको अदर एसेट्स की तरह यानी कि नॉर्मल इनकम पे ट्रीट करोगे। अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है तो इसको आप हमेशा अज्यूम करना अदर इनकम की तरफ, क्योंकि जब तक स्पेसिफिक ना लिखा हो तब तक आपको 111A की तरफ जाना ही भी नहीं है, राइट। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपको बिजनेस इनकम की मैंने 4 लाख,
नॉलेज आपको गिवन है एसटीसीजी, इसमें आपको बैकएंड में गिवन है कि वो लिस्टेड शेयर्स हैं एंड इस पे जो है एसटीटीबी पेड है, दैट इज ऑफ ₹10 लाख। देन एसटीसीजी आपको एक और गिवन है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3 लाख। देन आपको गिवन है डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड इक्वल्स टू 8 लाख। ये आपको क्वेश्चन गिवन है एंड इन दिस केस यू नीड टू कैलकुलेट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अच्छा ये किसकी इनकम है, मान लीजिए ये हम जो सारे जो लिख रहे हैं, सपोज ये कोई एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए पहले तो आप देखिए लिखिए टोटल टैक्सेबल इनकम, सॉरी पहले आप लिखो सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम, देखिए टोटल इनकम कितनी है 4 लाख प्लस 10 लाख प्लस 3 लाख, दैट इज ऑफ ₹17 लाख, राइट। अब इसमें मैंने आपको बताया था जब भी आप टैक्स रिटर्न का तो क्या करते हो, बेसिकली आपको क्या करना है, बाइफर्केट करना है बिटवीन दी नॉर्मल इनकम एंड दी स्पेशल इनकम, राइट। तो देखिए नॉर्मल इनकम है कौन कौन सी, बिजनेस इनकम तो है ही, बाकी जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं एसटीडी पेड है, तो इस पे तो देखिए आपका 111A में कवर हो जाएगा, सारी कंडीशन पूरी लिस्टेड भी है और एसटीडी पेड है, ठीक है। प्लस अब ये अनलिस्टेड है तो ये क्या होगा, अदर्स में माना जाएगा, तो ये क्या होगा, ये आपका नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट होगा। तो नॉर्मल इनकम कौन सी भी 4 लाख और 3 लाख, राइट। सो देखिए जो नॉर्मल इनकम है वो कितनी आपकी 7 लाख एंड जो स्पेशल इनकम है आपकी वो कितनी होगी, दैट इज 10 लाख, राइट। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका ये। अब क्या करना है आपको, डिडक्शन है, देखिए डोनेशन डोनेशन टू पीएफ पेयर करन, ये आपकी जो है सेक्शन 80G जी में भी ए में भी जाके कवर होती है, ठीक है। तो इसकी जब जी ए में आता है तो ये 100% डिडक्शन के लिए अलाउड है, ठीक है। तो डिडक्शन देखिए कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, देखिए स्पेशल इनकम में तो अलाउड नहीं है, ट्रिपल ए में हमें अभी मैंने पढ़ा कि इसमें डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो दैट मीन्स नॉर्मल इनकम में तो अलाउड है। डोनेशन है कितनी, डोनेशन है कितनी 8 लाख की, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, कितनी करेंगे भाई, इनकम ही 7 लाख की तो हम 7 लाख ही माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में तो आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी निकलेगी ना। कम टू द स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम में देखिए क्या बोला था, इसमें तो आपका देखिए इंडेक्सेशन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपके क्या गिवन है, एसटीसीजी गिवन ही है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बस इसमें स्ट्रेट अवे आपको जो है 15% जो है रेट लगाना है, ठीक है। तो आपका जो इस पर टैक्स बनेगा कितना बनेगा, 15% 1,50,000 प्लस इसमें 4% हायर एजुकेशन एक्साइज ऑफ ₹6,000, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी वुड बी 1,56,000। ठीक है।
चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर वाई हैं एंड उनकी एज है सपोज 62 ईयर्स ओल्ड। उनकी एक कोई पीजीपी भी इनकम है ऑफ ₹1 लाख। एसटीसीजी है जो कि कवर्ड है ₹111A में, दैट इज ऑफ ₹8 लाख। देन आपको गिवन है कुछ डिडक्शन जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 80C में ऑफ ₹1,20,000। राइट, देखिए पहले क्या करना है आपको, ग्रोस टोटल इनकम जो कि कितनी है 1 लाख प्लस 8 लाख 9 लाख। अब इसको क्या करना है आपको, डिवाइड करना है बिटवीन द टू पार्ट्स, स्पेशल इनकम एंड द नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम कितनी है 8 लाख, नॉर्मल इनकम कितनी है 1 लाख। यही है। अब क्या करना है भाई, नॉर्मल इनकम है कितनी 1 लाख की, इसमें से अब आपको डिडक्शन लेनी है कितनी है 120 की। हम तो 1 लाख के ले सकते हैं, सो अगेन इस पे तो आपकी टैक्स सेविटी आएगी नहीं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए स्पेशल इनकम कितनी है आपकी 8 लाख है, ठीक है, तो डिडक्शन तो इसमें अलाउड भी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखिए बैलेंस जो अनएग्जॉस्टेड बी ए एल है वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि देखिए जो मिस्टर वाई है इसकी एज कितनी है 62 ईयर्स ओल्ड, तो इनके लिए बी ई एल कितना होता है 3 लाख, कितना होता है दिन 3 लाख आगे से, तो इसके अलावा और कोई इनकम है भी नहीं, ठीक है। तो 3 लाख आप यहाँ से पहले माइनस कर सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो अनयूटिलाइज्ड बी ई एल ऑफ ₹3 लाख यहाँ से माइनस कर सकते हो, और फिर आपके पास रिमेनिंग इनकम है कितनी है 5 लाख। बस 5 लाख का आपको क्या करना है, टैक्स लगाना है एट द रेट 15%, ठीक है। तो वो कितना रहेगा, दैट इज ऑफ ₹75,000। बस इसमें आप हायर एजुकेशन एंड सेल्स आप ऐड करोगे ऑफ रुपीज कितना परसेंट होगा 4%, सो दैट इज 3,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी वुड बी 78,000। अब आपके मन में क्वेश्चन एक जरूर रह जाएगा कि सर आपने यहाँ पर बी ई एल क्यों यूज़ किया, अगर आपने यहाँ पर यूज़ किया तो आपने प्रीवियस जो अपने एग्जाम पर किया इसमें ही क्यों नहीं माइनस किया। बी ई एल के लिए देखिए क्या लिखा था पॉइंट, अगर आप ध्यान से पढ़ाओ बी एल किसके लिए अप्लीकेबल है, ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल और एच यू एफ। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था यहाँ पर जो कौन था, वो ये एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसलिए यहाँ पर इसको जो है बी ई एल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट यहाँ मिस्टर वाई कौन है, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो इसलिए इस केस में यहाँ पर बी एल का बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। राइट, चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं फॉर द बेटर क्लैरिटी। मिसेस एक्स 65 ईयर्स ओल्ड, पीजीबीपी इनकम 3,20,000, एसटीसीजी ₹111A 8 लाख, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ ₹1,40,000। पहले क्या करना है आपको, जी टी आई जी के देखिए क्या हो जाएगा इस केस में आपका 11,20,000। राइट, डिवाइड करना है आपको उसको दो पार्ट में,
स्पेशल इनकम कितनी आपकी? ओनली दी 8 लाख एंड रेस्ट आर नॉर्मल इनकम। तो देखिए नॉर्मल इनकम है कितनी आपकी? 3,20,000। इस पे तो आप डिडक्शन ले ही सकते हो। डिडक्शन है कितनी? 1,40 की। तो आप इनकम कितनी बच गई? 1,80,000 की, राइट। अब जब आप 1,80,000 पे टैक्स निकालोगे, 1,80,000 पे टैक्स लगाओगे, तो आपका जो आपकी एग्जम्पशन लिमिट है, इसकी स्मैगिंग कितनी होगी? 3 लाख की होगी। तो 1,80,000 तो यहाँ चलेगी, यहाँ पर तो टैक्स सर्विस निकलेगी नहीं, यहाँ पर तो आपकी टैक्स सर्विस निकलेगी नहीं, ठीक है। बट अभी भी आपकी अनयूटिलाइज जो है बैलेंस बचा है कितना? 1,20,000। तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो देखिए स्पेशल इनकम है कितनी है वैसे? एक्चुअली आपकी 8 लाख, इसमें से आप 1,20,000 तो बचा कितना आपके आपके हाथ में? डेट इज 80,000। अब इस पर आप जो है टैक्स लगा दो कितना? 15% के साथ से, जो आपका पास आएगा 1,02,000। बस इस जो है 4% हायर एजुकेशन एक्साइज और ऐड कर दूँ, 4,018। टोटल आपके पास हो गया 106,080, डेट इज टैक्स लाइबिलिटी, राइट। तो क्लास आई होप आपको आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। नेट इज सेक्शन 111A, राइट। सो क्लास मैंने अभी तक आपसे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन असेंबली कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज अदर्स तो आप अच्छे से कर लोगे भाई। अब कोई भी अदर एसेट्स हो, चाहे ज्वेलरी हो, ठीक है, चाहे कोई और अदर कैपिटल एसेट हो, यानी कि इन तीन के अलावा तो वो अदर्स होगी, तो इस पे तो आपको नॉर्मल इनकम की तरह इसको ट्रीट करना है, राइट। चलिए अब हम आते हैं, दैट इज मूविंग टू LTCG, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखिए पहले मैं डिस्कस करूंगा 112, पहले मैं क्या डिस्कस करूंगा? 112। उसके बाद हम 112A पे जाएंगे। टैक्स ऑन LTCG विच आर कवर्ड सेक्शन अंडर 112, अंडर 112 मतलब क्या हुआ सर? मान लीजिए अगर आपके पास कोई इक्विटी शेयर्स हैं, जस्ट अ मिनट, मान लीजिए आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं या इक्विटी ओनली म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस हैं, अगर आपके पास ये सब हैं, अगर आपके पास ये सब हैं तो आप सेक्शन 112A में अप्लाई नहीं होते। दैट मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए? अदर देन दीज, अदर देन दीज। तो उस केस में इसका मतलब क्या होगा? आपके पास अगर अदर देन दीज कैपिटल एसेट हैं, सो दैट मीन्स जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा? एट द रेट 20% होगा, राइट। सेम
फॉर द रेजिडेंशियल इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द एचयूएल एग्जॉस्टेड बीईएल जो है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। सेम इसमें भी आपको डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगी। देन इस केस में अच्छा आपको मैंने पॉइंट नहीं पढ़ाया रिबेट वाला, वहाँ पर चलो वो यहाँ पर कवर करता हूँ। याद रखना रिबेट अवेलेबल होंगी। कौन सी रिबेट की बात कर रहा हूँ मैं? 87A वाले। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले आप टैक्स लायबिलिटी जो हमने कंपटीशन पेपर पढ़ा था पहले आप उसको कवर करके आओ, बाद में आप यहाँ पर आना, बिकॉज बिना पढ़े आओगे फिर तो आपका दिमाग घूमेगा ही घूमेगा, राइट। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एटमीन्स अगर अगर आपके पास इन तीन को कैपिटल को छोड़कर बाकी और अदर असेट्स हैं तो उस पर तो आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 20% के हिसाब से, और आपको तो जो है अनयूटिलाइज BEL को आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि लेस कर सकते हो, और अगेन इस पर आपका जो है डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, और इसमें आप रिबेट का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। अब पूछोगे सर इसमें नया क्या है, ये तो हमें पता ही था, ये तो आपने कंपटीशन टैक्स लाइव में बता ही दिया था। जी हाँ बिल्कुल बताइएगा, लेकिन मैं डिस्कस क्या करना चाह रहा था इससे रिलेटेड प्रोविजो। प्रोविजो टू सेक्शन 112, ये जो अमेंडमेंट है ये मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या है, मान लीजिए आपकी LTCG अराइज हुई है, LTCG फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। टैक्स ऑन, यानी कि अगर आपकी LTCG अराइव हो रही किससे, लिस्टेड सिक्योरिटी से या जीरो कूपन से, तो उस पर आपके जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगी। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि अगर इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड शेयर्स में नहीं तो वो 112 में नहीं आएगा, राइट। बट सर आप नीचे लिख रहे हो लिस्टेड सिक्योरिटीज लिखा है, लिस्टेड शेयर्स नहीं लिखा। सिक्योरिटीज़ में बहुत सब और भी कुछ आता है भाई, क्या क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ लिखा है, ठीक है। बट याद रखना यहाँ पर आपका इक्विटी शेयर्स नहीं आएगा, राइट, इक्विटी शेयर्स नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए डिबेंचर्स या अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो इससे रिलेटेड आपने जो है सरकार ने यहाँ पर या फिर लॉ मेकर ने यहाँ पर एक प्रोविज़न एक एडिशनल के तौर पे एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। अमेंडमेंट क्या है कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग को आप जो है टैक्स आप मींस आपके ऊपर छोड़ दिया कि लोअर लिखा नहीं, एक्चुअली ये जो लोअर वर्ड है ये लिखा नहीं लॉ में, एक्चुअली यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गवर्नमेंट ने भाई। अगर मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन दे कि आप किस पे टैक्स निकालोगे निकालना चाहोगे भाई, 10 लाख पे या 8 लाख पे, तो आप बोलोगे मेरी टैक्स इनकम जो है 8 लाख पे निकालो, तो ये ऑप्शन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर वर्ड लिखा है, लोअर मैंने लिखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए पहले क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है टैक्स ऑन LTCG एट द रेट 20% निकालना है,
और फिर निकालना है टैक्स ऑन LTCG @10% निकालना है। अब आप बोलोगे सर इसमें पूछने वाली बात क्या, अभी हमको 10% जाएंगे। भाई रुको अभी पूरा को लिखने दो। अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपको विद इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस आप BEL बैलेंस्ड एग्जम्पशन लिमिट का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। बट अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको जाना पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन के साथ, एज वेल एज विदाउट BEL। ये दोनों ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे। अब इसमें आप समझ लो कि जो भी लोअर होगा वो आपको लेके चलना है। यानी करना क्या, सिंपल मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है LTCG ऑन लिस्टेड बॉन्ड्स, तो क्या करना है आपको भाई, 20% के हिसाब से भी निकाल लो, 10% के हिसाब से निकाल लो, दोनों के हिसाब से निकाल, दोनों में लोअर होगा वो आपका टैक्स लाइबरी, वो सब खत्म और कुछ नहीं है। ठीक है, ये था आपका अमेंडमेंट। क्या है, पहले ऑप्शन था ही नहीं, यानी कि पहले टैक्स ऑन LTCG निकालो। क्यों, क्योंकि वो अदर देन इसमें आ रहे थे तो वो हटा दिया, तो उस पर इंडेक्सेशन करते थे। बट अब क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने पर बेनिफिट क्या बोलिए, आप 10% जा सकते हो, बट अगर आप 10% जाओगे तो आप विदाउट इंडेक्सेशन और BEL का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तो आप 10% साथ जा सकते हो। राइट, चलिए मान लीजिए। अच्छा चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी। LTCG 1112 में कौन कौन से कैपिटल एसेट हैगी अदर देन इक्विटी शेयर्स, अदर देन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अदर देन यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट। इन तीन के अलावा बाकी जितने भी कैपिटल एसेट हैं, ठीक है, अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो तो फिर आप सेक्शन 1112 में आ जाओगे। उस पर टैक्स रेट अप्लाई करोगे 20% हिसाब से। रेजिडेंशियल अगर आप HOF तो BEL का बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और रिबेट का भी आपको मिल जाएगा। इस पर प्रोविजो लेके आइए गवर्नमेंट। अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज या जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं तो आप जब पहले 20% जा सकते हो, 20 या 10% जा, जो भी लोअर होगा आप उसके साथ टैक्स दे देना। चलिए अच्छा मान लीजिए, जैसे देखिए देखा जाए तो 1111A एंड 1112A में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमने यहाँ पढ़ा था 1111A में क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास तीन ये नेचर की इनकम है तो आप जो है इसमें चले जाओगे। किस में चले जाओगे, यहाँ आ जाओगे आप और 15% के हिसाब से टैक्स दोगे। बट अगर ये इन्हीं तीनों एसेट्स पे अगर लॉन्ग टर्म बन रहा है तो आप कवर हो जाओगे अंडर सेक्शन 1112A में। दोनों में डिफरेंस यही है, पहला वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और दूसरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल। दोनों में पहले डिफरेंस पता लिया, दूसरा डिफरेंस उस पर रेट क्या अप्लीकेबल है आपका 15%, इस पर क्या आपका 10%। बट 10% भी कब अप्लीकेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल में, अगर वो 1 लाख से एक्सीड हुआ टोटल गेन, अगर आपका 1 लाख से एक्सीड होगा, एक्सीड पे आपका 10% लगेगा। मान लीजिए अगर वो गेन हुआ सिर्फ 1.5 लाख का तो आपका 10% कैसे लगोगे, 50,000 का 10% यानी कि 5,000 टैक्स लगेगा आपका। ठीक है सर, 3 लाख हुआ तो बस 2 लाख का 10% है कि 20,000। सर 90,000 तो निकलेगा ही नहीं, पूरे एग्जेम्पशन ले लोगे आप तो टैक्स नहीं। ठीक है, बट शॉर्ट टर्म कैटेगरी में ऐसा नहीं, स्टेट पे 15%। ठीक है अच्छा, दोनों में सिमेटिक है, दोनों में आपको BEL का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है अच्छा, LTCG आपने एक केस पढ़ा होगा कि आप इंडेक्सेशन करते थे, ये बट यहाँ पर 1112A में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। याद रखना, जब जब भी आप 10% की तरफ जाओगे तब आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है अच्छा, मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि आपके पास लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब आप बोलोगे सर 1112 है जो, मान लीजिए ये आपने बेचा, किसको बेचा, सोल्ड
टू सम आउटसाइड पर्सन, मतलब भाई जैसे आपने ट्रिपल वे ने ए में पढ़ा था कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स अगर परचेस किए हैं तो बेचने पे आपको एसटीडी देना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, लिस्टेड शेयर्स खरीदे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, बट आपने बेचने पे आपने एनएससी या बीएससी के थ्रू बेचा, इवन आपने आईपीसी के थ्रू भी नहीं बेचा, आपने किसी और को बेच दिया। भाई होता क्या है, मान लीजिए जब आप शेयर खरीदते हो बेचते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब ट्रेडिंग लिस्टेड होता है तो देर आर सो मैनी बायर्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो जिस रेट पे आप बेचना चाहते हो जरूरी है कि उसी रेट पे आपको आपका शेयर जो है वो सेल ऑफ हो जाए, जरूरी नहीं क्योंकि विद इन जस्ट विद इन सेकेंड फ्लक्चुएशन अराइज होते हैं, कभी डाउन कभी अप, थोड़ा बहुत तो आपका माइंड डिफरेंस आता ही है, बट आपको डिसाइड किया मैं तो भाई इतने पे ही बेचूंगा। तो आपने क्या करा, आपने ये शेयर किसी और को बेच दिया, मान लीजिए आपने किसी दोस्त को ट्रांसफर कर दिया, तब क्या होगा, मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप सेक्शन 111A में आओगे, नहीं आ सकते हो क्योंकि आपने उसको एसटीडी के थ्रू नहीं बेचा, ना ही आपने इसको आईपीसी के थ्रू बेचा, तो आप कहाँ पर जाओगे, सेक्शन 112A में यानी कि अदर शर्ट्स में, तो आपके उस पे स्टेट वे 20% जो है टैक्स रेट अप्लीकेबल हुआ, राइट। अच्छा, इसमें इंडेक्सेशन आपका अलाउड होगा। सिमिलरली आपके पास मान लीजिए आपके पास राइट शेयर्स भी हो सकते हैं या फिर आपके पास बोनस शेयर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, बोनस शेयर में खासियत क्या है, बोनस फ्री में मिला, इसका तो आपका इंडेक्सेशन तो भूल जाओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा, आपने खरीदा थोड़ा था, बोनस मिला था उसमें आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास सिनेरियो ये हो कि तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस मान लीजिए आपके पास हो लिस्टेड डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। अब आपके काम खड़े होंगे कि सर अभी हमें पढ़ा था ये रुको, या फिर आपके पास हो सपोज लिस्टेड बोनस शेयर्स। अब इनको ट्रांसफर करने पे आपने एसटीडी पेड नहीं किया, एसटीडी नॉट पेड, सॉरी नॉट पेड नहीं किया, तो क्या होगा, बोनस शेयर्स हैं या लिस्टेड बोनस हैं, एसटीडी पे नहीं किया तो क्या होगा, आप कहाँ चले जाओगे फिर, आप इसमें आप चलोगे प्रोविजन टू सेक्शन 112 में, तो वह आपके पास या तो 20% होगा या 10%, ऑप्शन क्या होगा, हाँ यार अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो मैं बताऊँ तो आपके पास ना 10% वाला आपका हमेशा वो प्रेफर रहेगा ऑलवेज, कैलकुलेशन करें ना आप समझ आ जाएगा बस, ठीक है। चलिए इसकी थोड़ी और क्लैरिटी ले दें, आपके पास बोनस शेयर्स हैं, कौन कौन से हो सकते हैं भाई, आपके पास मान लीजिए बोनस शेयर हो सकते हैं सपोज लिस्टेड, अगर मान लीजिए इस पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज आ रहा हो, प्लस अगर आपने इस पे एसटीडी भी पे किया हो, तो देखिए सारी कंडीशन फुल हो रही है, तो इस केस में आप कहाँ जाओगे, सेक्शन 111A में, राइट। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके पास अनलिस्टेड अनलिस्टेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा हूँ, ठीक है, बोनस शेयर्स अगर आपके पास अनलिस्टेड हैं और एसटीसीजे तो क्या होगा, अनलिस्टेड की बात कर रहा था ना, अनलिस्टेड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 111A के अलावा कौन सा होगा आपके पास, नॉर्मल रेट से आप निकालोगे, राइट। देन मान लीजिए आपके पास अनलिस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो अनलिस्टेड है सर,
सेक्शन 112। नहीं, वहाँ मैंने वर्ड लिखा था, क्या लिखा था मैंने यहाँ पर वर्ड लिस्टेड, ये तो अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ना तो 112 में आ सकते ना प्रोविजिटिव 112 में आ सकते, तो बचा क्या 111 2 ए में तो आ ही नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात है अनलिस्टेड की, तो बचा क्या अदर अदर देन दोज, तो इसमें क्या आपका आपके पास दैट इज 20% रेट एप्लीकेबल होगा इसमें आपका। नेक्स्ट मान लीजिए अब आपके पास हैं लिस्टेड बोनस शेयर्स हैं, LTCG राइज हो रहे हैं एंड बट आपने इस पे STT पे नहीं किया, ये अभी केस अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, तो क्या होगा इसमें आपका 112 प्रोविजन, ठीक है। लास्ट केस मान लीजिए आपके पास हैं लिस्टेड बोनस शेयर्स LTCG अराइज हो रहा है एंड STT भी पे किया है, फिर तो भैया की केस बचा है कौन सा वाला, इस पे तो आपको 112A में ही जाना होगा, राइट। चलिए तो बस अब हम फाइनली एंटर हो गए किसमें 112A में, टैक्स ऑन LTCG विच आर कवर्ड 112A, राइट। तो देखिए वही अगर मान लीजिए आपके पास ये तीन नेचर के आपके पास कैपिटल एसेट्स हैं, राइट, एंड आपने अगर इनको ट्रांसफर किया है कब, ऑन और आफ्टर 1st of April 2018 के बाद, उस डेट को या उस डेट के बाद, अगर ना STCG भी डेट कुछ और थी क्या, उस वहाँ पे क्या डेट थी 1st of October 2004, और यहाँ पर केस क्या है अगर आपने ट्रांसफर कब किया है ऑन और आफ्टर 1st of April 2018 को किया है तो होगा, राइट। सर अगर हमारे पास ये तीन हैं और अगर मान लीजिए ट्रांसफर हमने इस डेट से पहले कर लिया तो क्या होगा, फिर तो आप अदर में चले गए ना, फिर तो आपका 20% टैक्स लगना लगना है, फिर तो आपका 20% टैक्स लगना लगना है, कुछ कर ही नहीं सकते फिर तो आपको उस केस में, राइट। अच्छा इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन STT इज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर, याद करना खरीदने पे नहीं है बेचने पे मैंडेटरी है, अगर नहीं है तो IFSC के थ्रू भी कराओ तो भी चलेगा। टैक्स रेट क्या होगा, एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख प्लस बेनिफिट ऑफ BEL ऑल्सो एप्लीकेबल, मैं BEL मिलने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि और अदर इनकम बहुत ही जरूरत है कि ना हो, ठीक है, बिकॉज देखिए शेयर्स में कोई अपनी सेविंग्स से लगाता है और सेविंग्स अगर प्रैक्टिकल देखा है तो सेविंग्स तो देखिए, या तो आप बिजनेस रन कर रहे हो तो उससे सेविंग हो रही है, या अगर आप सेल्फ इनकम पर्सन हो तो उससे सेविंग हो रही है, तो आप उसमें कुछ अपनी लाइक इन्वेस्टमेंट करते हो फर्दर, ठीक है, तो ऐसा तो बहुत तेरे बट चांस होता है कि आप उसका BEL का बेनिफिट उठा पाओ, बट मान लीजिए अगर किसी का काम सिर्फ शेयर्स में ही घुसा हुआ है, उसको लगता है भाई मेरे को तो शेयर्स में बहुत नॉलेज है, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसकी अच्छी खासी इनकम भी अराइज होती है, ठीक है, तो उसका अपनी नॉलेज का फुल यूटिलाइज करना चाह रहा है, तो उस केस में अगर मान लीजिए और भी इनकम हो तो फिर यहाँ पर वो BEL का बेनिफिट ले सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या मैंने बोला 111 2A में अगर आपके पास ये तीन का नेचर इनकम है प्लस अगर आप इसको ट्रांसफर कर रखा
ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, तो उस केस में आपका जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा क्या इतना होगा, 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख एसटीडी पेड होना चाहिए, या फिर आईएफएससी के थ्रू आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, प्लस इसमें आपको बीईआर का बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एलपीसीजी इनकम है, और मेंशन कर देता हूँ कि ये 112A में एप्लीकेबल भी है। कितनी है, 1,80,000 की है। और एक और अदर इनकम है, दैट मीन्स अदर देन कैपिटल एसेट, मान लीजिए वो है 2,75,000, राइट। तो देखिए इसका आप सोल्यूशन किस तरह करोगे। देखिए आपको पता ही है, ये तो आपकी स्पेशल इनकम बन गई और ये आपकी नॉर्मल इनकम बन गई, बायफिकर करने की जरूरत नहीं है, अपना ही बदल गया, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आप देखिए क्या करोगे, नॉर्मल इनकम कितनी है, 2,75,000, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, पहले लेस बीईएल करोगे, जो कितना है, मान लीजिए सपोज है 2,50,000 वाले लेते हैं, ठीक है, तो कितनी होगी, 25,000 अभी भी रह गया, ठीक है, तो इस पे टैक्स लगा लेंगे तो इजी आपके पास हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, भाई 1,80,000 हैं, ठीक है, तो क्या करोगे, माइनस 1 लाख करोगे, इसका आप 10% निकालोगे, जो कि कितना आएगा आपका 8,000, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, दोनों को आप ऐड करोगे, 33,000, और फिर 4% हायर एजुकेशन से आप ऐड करोगे, ठीक है, ये तो आपको इजीली हो जाएगा, तो यहाँ से आप आंसर लिख दोगे। बट असली क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं फिगर्स नहीं पिचिंग कर रहा हूँ, वीडियो को उस करके आप कर देना। अगर मैं एग्जांपल में सपोज अगर इसकी एज, ये जो पर्सन है मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में इसकी एग्जिबिशन मिलती तो 3 लाख रुपये होगी, बट नॉर्मल इनकम कितनी है, ओनली 2,75,000। यहाँ पर आप माइनस क्या करोगे, पूरा ही 2,70,000, 3 लाख तो माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर तो इसकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी नहीं, नॉर्मल इनकम केस में नील हो जाएगी, राइट। अगर ये नील हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए प्रोसीजर अलग हो जाएगा। पहले आप 1,80,000 में से जो बैलेंस बीईएल है वो करोगे, 3 लाख तो आपने 3 लाख में से 2,70,000 यूज़ कर लिया, ठीक है, रेस्ट क्या बच गया आपके पास, 20,000 भी और यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आपके पास साथ में कितना है, 1,55,000 रहेगा। अब आप इसमें से 1 लाख और माइनस कर सकते हो, जो एग्जेम्पशन है 10% आप निकालोगे, जो कि कितना आएगा, 5,500, और फिर उसके बाद आप 4% हायर एजुकेशन साइज आप ऐड कर सकते हो, 220, तो कितना आ गया, 5,720, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ही एग्जांपल में मैंने दोनों ही बता दिए। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब तक मैंने लिखा नहीं था, अब मैं लिख देता हूँ। इंडेक्स सेक्शन नॉट अलाउड। अब यहाँ पर मान जरा बड़ा बिगड़ जाता है, बहुत अच्छे से देखना, यहाँ पर अमेंडमेंट है, मैं इसको अलग से ही करा देता हूँ, इंडेक्सेशन नॉट अलाउ, अलाउड नहीं होगा। अगर अलाउड नहीं होगा तो कैलकुलेशन किस तरह करनी है वो ध्यान से देखना है। देखिए अगर अलाउड नहीं है तो क्या होगा, देखिए आपके हाथ में होगा क्या, एक तो आपके पास होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये तो होगा ही होगा आपके हाथ में, ठीक है, इंडेक्सिंग आपको करना ही नहीं इसका। बट इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके साथ साथ आपको इसको कंपेयर करना है किससे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जून 2018 से, फेयर मार्केट वैल्यू
31st जैन 2018 से कंपेयर करना है, अब पिकअप करना है आपको की हायर वैल्यू। जो हायर वैल्यू होगी वो आपकी एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि एफ एम बी स्टार लिखा कर देना कि एफ एम बी शुड नॉट बी मोर देन सेल्स कंसिडरेशन, शुड नॉट बी मोर देन सेल्स कंसिडरेशन। चलिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन है कभी ऑन 20th September 2017 की, फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है 31st of January 2018 की, साथ साथ आपको सेल्स कंसिडरेशन गिवन है। मान लीजिए आपने ये कब सेल ऑफ किया, 15th of March 2021 को, राइट। मैं आपको इसके कुछ पांच केसेस कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए पहले केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने हैं 410 गए, एफ एम पी गिवन है कितनी 730, और ये कितनी गिवन है आपको सपोज 760, ठीक है। आपको निकालना क्या है, बेसिकली आपको निकालना है कि एल टी सी जी होगा क्या इस केस में, इन सब केसेस में एल टी सी जी क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करना है, आपको एक्चुअल कॉस्ट और एफ एम बी इन दोनों में से आपको हायर वैल्यू पिकअप करनी है। हायर वैल्यू कितनी है 730, बट आपको याद रखना है कि एफ एम बी की वैल्यू जो है सेल्स कंसिडर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी आपकी 730, बेचा कितने में आपको, आपने इसको 760 में, ठीक है। तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी बनी 30, कंपेयर करना आपको बस इन दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट केस मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन आपको 710, एफ एम बी गिवन आपको 780 एंड सेल्स कंसिडर गिवन आपको 650, राइट। तो देखिए पहले आपको कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड एफ एम बी, आपको हायर वैल्यू पिकअप करनी है। बट उससे पहले आपको देखना है कि क्या फेयर मार्केट वैल्यू सेल्स कंसिडर ज़्यादा है। जी हाँ, देखिए इस केस में है, इस केस में देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है। तो करना क्या आपको, इसको काट के सिंपली लिखना है 650, 650, राइट। अब क्या करना है आपको, इसमें कंपेयर करूँ, हायर वैल्यू पिकअप करनी है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी आपकी 710, बेचा कितने में आपने इसको 650 में, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लॉस हो गया 60 रुपये का, राइट। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन है कितनी 900, एफ एम बी गिवन है 300 एंड सेल्स कंसेशन गिवन आपको सपोज 910, तो यहाँ पर देखिए फेयर मार्केट वैल्यू कम है इससे, तो एम ए आप हायर वैल्यू पिकअप कर सकते हो। तो हायर वैल्यू कितनी है 900, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी 900, बेचा कितने में आपने 910 में, तो यहाँ पर गेन होगा कितने का 10 का। नेक्स्ट मान लीजिए आपको ये गिवन है 800, ये गिवन आपको 1000, ये गिवन आपको 825, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, देखिए पहले आप देखो यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू जो है ज़्यादा है सेल्स कंसिडरेशन से, क्या करना है आपको, बस इसको सिंपली कट करके लिखना है आपको 825, ठीक है। कंपेयर करो इन दोनों में, तो आपकी हायर वैल्यू कितनी है 825, तो ये क्या आपका आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी आपने खरीदे कितने पे 825 पे, बेचा कितने पे आपने 825 पे, तो क्या आपका आपका गेन। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आपको 30, एफ एम बी गिवन आपको 100 एंड सेल्स कंसिडर आपको कितने 400, यहाँ पर देखिए फेयर मार्केट वैल्यू कम है, तो
तो आप हायर वैल्यू पे कब कर सकते हो इसीलिए, वो कितनी है ये कॉस्ट कितनी है एक्वायर करने की, 100 मिर्जा कितने रुपये, 400 में गेन कितना हुआ, 300 रुपये, सिंपल राइट। तो इस तरह ये जो है आपका ये अमेंडमेंट था यहाँ पर राइट। अब एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको इसका पूरा एक तरह समझ आ जाए अच्छे से। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी मैंने आपको सपोज ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स की ₹55। अच्छा ये शेयर आपने कब खरीदा, सपोज ऑन ऑफ मार्च 2014 को। इसके अलावा आपको गिवन है FMD 31 जनवरी 2018 को गिवन आपको, दैट इज ऑफ ₹90,000। इसके अलावा आपको गिवन है सेल्स कंसेंसस गिवन है, आपने कितने शेयर बेचे, 500 इक्विटी शेयर ही बेचे आपने, राइट। कब बेचा आपने, ऑन 20th अप्रैल 2020, यानी कि आपने 1st अप्रैल 2018 के बाद आपने बेचे हैं, और आपने इस पे जो है STT भी पे किया है, तो यानी कि आप सेक्शन 112A में कवर हो जाते हो। तो मान लीजिए सेल्स कंसर्न की आपको 2,45,000 की। अब मान लीजिए इसके अलावा कोई और एक अदर इनकम गिवन है, दैट इज ऑफ ₹12,00,000 राइट। देखिए अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले एक बार शेयर्स वाला करते हैं, यानी कि जो 112A में, देखिए सेल्स कंसिडरेशन कितने हैं आपकी, 2,45,000 की राइट। लेस है करोगे आप यहाँ से, आपको पता है इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है आपको, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, यानी कि आपको देखो क्या करना है, पहले तो आपको इसमें और इसमें क्या करना है, हायर वैन वैल्यू पिकअप करनी है। पहले आपको चेक करना है क्या फेयर मार्केट वैल्यू सेल्स कंसिडरेशन ज़्यादा नहीं है, तो हायर वैल्यू की कितनी है, दैट इज 90,000 ठीक है। तो बस आपको स्टेट अभी क्या करना है, 90,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है, एक्सेशन है नहीं, अलाउड ही नहीं है। कितना अमाउंट बचा आपके पास, आपके हाथ में 1,55,000, ये आपके हाथ में क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, दैट्स इट, सिंपल है। और जब आप इस पर टैक्स कलेक्ट करोगे तो क्या करोगे, क्योंकि तो स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम एक ही है, तो इस पे जब 112A पे जब आप टैक्स करते हो तो इस पे क्या करोगे, आप करोगे माइनस करोगे एग्जम्पशन, 1,00,000 एग्जम्पशन आपको अलाउड है, तो 35,000 पे आप जो है टैक्स कलेक्ट करोगे, जो कि कितना होगा, 10% ठीक है। तो एट द रेट 10% कितना होगा आपका टैक्स, 1,000 5,550 ठीक है। अच्छा अदर इनकम भी गिवन है आपको, अदर इनकम कितनी गिवन है आपको, अदर इनकम कितनी है, 12,00,000 है ठीक है। अब इसमें आप पहले क्या करोगे भाई, इसमें तो आप अदर इनकम है तो उस पर आप BEL अलाउ करोगे ठीक है, तो BEL यानी कि नॉर्मल इनकम उतर करोगे, तो इस पर जो आपका टैक्स आएगा वो आपका आएगा दैट इज 1,72,500 आप जब स्लैब रेट्स निकालोगे ठीक है। अच्छा इस केस में रखना आपका यहाँ पर 115BAC यहाँ पर एप्लीकेबल, मान लीजिए अज्यूम करो कि भी नहीं होगा, क्योंकि अब तक आपने पढ़ा ही नहीं है, तो मान के चले भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो इस पर जब आप स्लैब रेट से करते तो आपके पास क्या था, 1,72,500। तो बस इन दोनों को आप ऐड कर दो और 4% हायर एजुकेशन ऐड कर दो, यू विल गेट द फाइनेंस ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 112A ठीक है। तो देखिए हमने सारे अमेंडमेंट्स कवर कर लिए ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा रिवाइज कर लेता हूँ इससे रिलेटेड,
कि अब तक हमने क्या पढ़ा, यानी कि स्पेशल 82 कैपिटल गेन। देखिए, कैपिटल गेन इनकम है, इसमें हमने पढ़ा कि दो टाइप की इनकम है, एक तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हमने पढ़ा कि वो भी दो तरह की होती है, जो कि कवर होती है अंडर सेक्शन 111A में और एक अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें अभी हमने पढ़ा कि अगर ये होता है तो इस पर आपका 15% का टैक्स लगता है, और अगर ये होता है तो इसको हमें नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करना है। अब बात करें अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की थोड़ी डिस्कशन ज़्यादा होती है। हमने कौन कौन सी इनकम पढ़ी है, चलो इसका मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो आपका देखिए LTCG आती है विच कवर्ड अंडर सेक्शन 112A में। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर आपके पास LTCG है, LTCG ऑन अनलिस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में राइट। फिर उसके बाद आप जब तो सपोज LTCG, अच्छा यहाँ पर सपोज बाय NR, बाय NR ये आपको सिर्फ पढ़ना है यहाँ पर, मतलब अगर ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं लिखवा देता हूँ आपको LTCG ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। इसके अलावा LTCG ऑन अदर कैपिटल एसेट, तो देखिए इस पे जो टैक्स रेट का लगता है आपका 10% लगता है, इसका 10% लगता है इन एक्सेस ₹1 लाख राइट। अच्छा NR वाला मैंने पॉइंट बताया नहीं, वो इसलिए कि BCom ऑनर्स लेवल पे ये चीज़ इतना डीपली डेप्थ नहीं पूछते, बट मुझे याद आएगा तो मैं लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई NR है और कोई अनलिस्टेड शेयर को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसमें भी उसको टैक्स रेट 10% देना पड़ेगा, के हिसाब से देना पड़ेगा राइट। बॉन्ड्स मैंने पढ़ा भाई ऑप्शन मिलते हैं या तो 10% या 20%, बट मैंने आपको बताया था आपको ऑलवेज बेनिफिट क्या होगा 10%, अब पता ही है कितना होता है 20%। अच्छा याद रखना इन तीनों में जो है आपका लाइक LTCG विल बी कंप्यूटेड विदाउट इंडेक्सेशन, इन तीनों पे इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है राइट। तो मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ दे दिया ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। सो क्लास दिस होल वीडियो ऑन वॉज ऑन अमेंडमेंट एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल।